हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, 7 दिनों में अजवाइन करेगी 20 किलो वजन कम। सर्दियों में करें अजवाइन का ये प्रयोग। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। अजवाइन को औषधीय गुणों से भरपूर मसाला माना जाता है। अजवाइन औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इसे घर का वैद्य भी कहा जाता है। अजवाइन को मसालों का राजा भी कहा जाता है। आयुर्वेद में अनेक दवाओं में से इसका उपयोग किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी अजवाइन के ऐसे प्रयोगों के बारे में जो मोटापे से परेशान लड़कियों के लिए वरदान से कम नहीं है। अजवाइन से बहुत गर्मी होती है, इसलिए इसे सिर्फ सर्दियों में ही इस्तेमाल करना चाहिए और वो लड़कियां उसका उपयोग बिल्कुल ना करें जिनको अभी अभी महावारी हुई है। इस प्रयोग से रुके हुए और अनियमित पीरियड्स भी सही हो जाएंगे, तो इसे जरूर ही आजमाएं। अब मैं आपको इसके प्रयोग के बारे में बताती हूँ, क्या है इसके प्रयोग। अजवाइन का पानी मोटापे को भी कम करने में फायदेमंद है। जी हाँ, ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि अजवाइन का पानी रोज सुबह खाली पेट पीने से मोटापा प्राकृतिक रूप से कम हो जाता है। अजवाइन का पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसकी वजह से कार्ब तथा फैट बर्न होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, तो कुछ ही दिनों तक इस नुस्खे को आजमाएं और असर देखिए। वैसे तो आपका इसका असर सिर्फ 15 दिनों में दिखने लगेगा, पर अगर प्रभावी परिणाम चाहते हैं तो 45 दिन जरूर लगेंगे। वजन कम होना आपके शरीर के प्रकार पर भी निर्भर करता है। कैसे करें अजवाइन का पानी तैयार, अब इस नुस्खे को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। 50 ग्राम अजवाइन लें, आप चाहें तो 25 ग्राम भी ले सकते हैं, पर 50 ग्राम ज्यादा प्रभावशाली है। अजवाइन को एक गिलास पानी में रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दें और फिर सुबह पानी को छान लें। उसके बाद पानी में आधा चम्मच नींबू निचोड़कर डाल लीजिए, एक चम्मच शहद मिक्स करें और सुबह खाली पेट पी लें। यदि आप चाहें तो उसी अजवाइन को धूप में सुखाकर फिर दूसरे दिन भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन आपको नई अजवाइन का प्रयोग करना होगा। अब मैं आपको इसके परहेज बता देती हूँ। आप समझते हैं कि आयुर्वेद अगर आप ले रहे हैं, आप कोई घरेलू प्राकृतिक नुस्खे अपना रहे हैं और उसके साथ अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो ये आपको कम कारगर होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कारगर नहीं होंगे, लेकिन जरूरी है कि आप इसके साथ कुछ परहेज जरूर करें। तो परहेज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको बता दूँ कि अगर आप परहेज नहीं रखेंगे तो ये नुस्खे आपके लिए कारगर नहीं होंगे। इसलिए अच्छा है रिजल्ट पाने के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन करें। चावल पूरी तरह से आपको छोड़ देना है। रोटियों की संख्या घटा दें, मतलब अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो उसे आधा कर दें। आलू, शक्कर, फास्ट फूड और ऑयली फूड ना खाएं, मतलब भोजन करने के 1 घंटे तक पानी ना पिएं। ये उपचार उन महिलाओं के लिए है जिन्हें पीरियड की समस्या है और जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। अजवाइन का सेवन हमारे शरीर को कई रोगों से निजात दिलाने में मददगार है। पाचन शक्ति को मजबूत बनाने वाली अजवाइन भोजन के स्वाद को भी बढ़ाती है। पेट संबंधी विकार जैसे एसिडिटी, कब्ज आदि कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने में अजवाइन रामबाण साबित होती है। इसे प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है। आपकी किडनी में यदि स्टोन की समस्या है तो अजवाइन का सेवन इसमें भी फायदेमंद होता है। अजवाइन के सेवन से आपके शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होता है। अजवाइन का सेवन स्टोन के कारण उठने वाले दर्द को भी शांत करता है और स्टोन के बढ़ते आकार को भी रोकता है। सो आई होप फ्रेंड यू एंजॉय आवर वीडियो। इफ यू एंजॉय आवर वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।